27 एनएम का टॉर्क एंड 20.4 पीएस की पावर जनरेट करता है मैक्सिमम। इसके अलावा तो हम सर्विस की बात कर रहे थे, सर्विस कॉस्ट की, तो अप्रॉक्सीमेटली मेरे को अगर 6 मंथ पे मैं करवाता हूँ तो ये पड़ती है मुझे, डिपेंड करता है कंडीशन में कोई रिक्वायरमेंट है अगर चेंज कोई पार्ट। लुक है इसका, आप लुक देख रहे हो कितना बोल्ट है, मतलब एक मज़ा ही आ जाता है। आप इस पर बैठते हो तो लगती है कि आप भाई बाइक पर बैठे हुए हो, और बहुत ही मज़ा आता है इसको चलाने में, मतलब कम्फर्ट फील होता है पीछे का लुक। और ये साइलेंसर जो लगा हुआ है तो मैं इसको सजेस्ट नहीं करता कि आप ये आफ्टर मार्केट साइलेंसर लगवाएं, क्योंकि ये बैन है चलाने से। नमस्ते, राम राम सभी भाइयों का। सारे कैसे हो, आई होप सारे बढ़िया हो गए, मस्त हो गए एकदम, और अपने काम पे फोकस्ड हो गए भाई। तो वेलकम टू अनदर ब्लॉग, और आज हम आ गए हैं अपनी रॉयल इनफील्ड बुलेट स्टैंडर्ड 350 का रिव्यू करने, जो कि 2019 मॉडल है। तो मैंने इसको 5 साल इस बाइक को चलाई है, और 5 साल में जो मेरा एक्सपीरियंस रहा इस बाइक के साथ वो मैं आपको शेयर करूँगा, और मतलब क्या क्या चीज़ें हैं, क्या इसके मतलब सर्विस कॉस्ट है, मेंटेनेंस क्या है, सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ भाई इसमें इस वीडियो में। तो चलो चलते हैं, सीधा मूव करते हैं बाइक की तरफ। ये रही अपने स्टैंडर्ड 350, जो कि रॉयल इनफील्ड की बैचिंग मिल जाती है आ रही की यहाँ पे। इसके साथ हैलोजन हेडलैम्प मिलते हैं, इसमें कोई भी LED हेडलाइट या DRL नहीं मिलता है इस टाइम फिलहाल में। ये जो मडगार्ड है ये मेटेलिक है, आपको अलॉय व्हील नहीं मिलते, ये मैंने आउट ऑफ मार्केट मार्केट से लगवा रखा था बाहर से। तो इसमें आपको स्पोक व्हील मिलते हैं विथ 90 इंच के ऑप्शन मिल जाता है आपको। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पे मीटर की, मीटर इसका एनलॉग है, जिसके लिए फेमस है बुलेट, रॉयल इनफील्ड बुलेट स्टैंडर्ड एंड क्लासिक जो भी है वो अपने मीटर और एक बोल्ट लुक के लिए फेमस है। तो मीटर ये है नॉर्मल, इसमें कुछ ऐसा है दिखाता हूँ मैं, इसमें तो आपका स्पीडोमीटर है और कितने किलोमीटर चल चुकी है, और ये आपका न्यूट्रल में दिखा रहा है। यहाँ पे इंडिकेटर्स के हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको इंडिकेटर्स वगैरह। हाँ, ये इंडिकेटर्स के देखो आप, इंडिकेटर हैं यहाँ पे। इसके साथ साथ ये ABS इसमें आपको ऑफर किया जाता है, तो ABS की जो यहाँ पे इंडिकेटर है यहाँ पे है। इसके साथ साथ फ्यूल इंडिकेटर भी है इसमें, जो कि 2019 मॉडल से पहले जितनी भी आती थी उसमें फ्यूल इंडिकेशन का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता था आपको, और ना ही ABS ऑफर किया जाता था उसमें, डिस्क ब्रेक भी नहीं किए जाते थे। इसमें आपको फ्रंट डिस्क ब्रेक ऑफर किया जाता है विथ ABS एंट्री ब्रेकिंग सिस्टम लॉकिंग सिस्टम के साथ। इसके अलावा आपको इंजन जो इसमें ऑफर किया जाता है, इंजन आपको 349 cc का इंजन ऑफर किया जाता है विद ट्विन स्पार, जो कि जनरेट करता है 27 NM का टॉर्क एंड 20.4 PS की पावर जनरेट करता है मैक्सिमम। इसके अलावा जो इंजन है ये आपका है ना 1 सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन, एयर ऑयल कूल्ड इंजन आपको मिलता है इसके अंदर। साथ ही साथ यहाँ पर आपको इस जो एयर फिल्टर है वो यहाँ पे मिलता है, बाकी का फिल्टर के लिए है सिद्धू मूसेवाले जी, लीजेंड हैं। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है सीट की कुशनिंग काफ़ी अच्छी, जो कि कंपनी फिटेड है, मैंने इसको बाहर से चेंज नहीं करवाया है। जो फ्यूल कैपेसिटी है इसकी, जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो है 12 लीटर के आसपास की अप्रॉक्सीमेटली। और इसके अलावा इसमें जो ऑप्शन मिलते हैं आपको ABS के साथ, ABS की ब्रेकिंग का ऑयल जो रिफ्यूल किया जाता है वो यहाँ पे है। साथ ही साथ आपको इसमें ऑप्शन किल स्टॉप बटन मिल जाता है। इसके अलावा आपको इसमें मैंने बताया कि भाई ये पासिंग लाइट है, ये लो बीम हाई बीम का है, ये इंडिकेटर्स के बटन्स हैं, और ये हॉर्न के हैं सॉरी। तो इसके अलावा मैं बात करें, इस साइड में भी आपको बैटरी मिल जाता है, बैटरी के साथ साथ इसमें वायरिंग है। इसके अलावा सेम पीछे का भी 19 इंच के व्हील्स मिलते हैं, स्पोक व्हील्स, ये मैंने आफ्टर मार्केट लगवाया था। बैक लाइट भी हेलोजन ही है, कोई LED नहीं है। तो ये ABS के लिए दिया हुआ है ताकि आप आफ्टर मार्केट करवाते हो तो इसमें ABS भी इंस्टॉल करवा सकते हो आप। तो कंपनी ने काफ़ी अच्छा मतलब इसको ऑप्शन दिया हुआ है, हालांकि इसमें सिंगल चैनल डिस्क ब्रेक ही आते हैं फ्रंट में। फाइव गियर मैन स्पीड का गियर बॉक्स है, जिसमें फ्रंट पहला गियर जो आगे लगे बाकी सारे 4 पीछे लगते हैं। इंजन जो है, इंजन का पावर जो है वो काफ़ी अच्छा है, पिकअप वगैरह को लेकर क्रूजिंग आप इजीली कर सकते हो। मैंने जैसा कि मैं अभी वीडियो में मैं दिखाऊंगा आपको कि क्रूज मैंने किया है, 110 पे भी चलती है, बहुत स्टेबल चलती है। तो हम बात करते हैं राइड क्वालिटी की, राइड क्वालिटी वाकई में बहुत बेहतरीन है, नो डाउट। आप इसको ईजिली 80-110 के इन बिटवीन आप क्रूज़ कर सकते हो हाईवे पर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी बाइक में। बट अगर आप 110 से अबव जाते हो तो वहाँ पर आपको इंजन में से वाइब्रेशन फील होगी, और 120 स्पीड पता लगेगी आपकी बाइक बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पे है। स्टिल स्टेबल रहती है बट 120 स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होती है। जो इसका वेट है बाइक का वो है 195 kg का, जो कि आपको हाई स्पीड पे स्टेबिलिटी देता है। इसके अलावा आपके जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 135 mm का है, व्हील बेस जो है वो 1390 mm का है, दोनों व्हील के जो बीच में गैप है वो 1390 mm का है। काफ़ी अच्छी बाइक है, आप इसको ऑफ रोड भी कर सकते हो, ले जा सकते हो, यूज़ कर सकते हो, बाकी ऑन रोड भी इसको चला सकते हो, मतलब ये क्रूजिंग के लिए बनी हुई है बाइक, कहीं भी चला सकते हो आप इसको, पहाड़
पहाड़ों पे ले जा सकते हो, मिट्टी में, धूल में, कहीं भी, मड में, कीचड़ वगैरह में कहीं भी आप चला सकते हो। इजीली बहुत रिलायबल बाइक है। बाकी बात करें रॉयल एनफील्ड की, तो भाई रॉयल एनफील्ड आपको पता है इंडिया में कितनी मतलब फेमस टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर है। बात करें एवरेज की, तो एवरेज जो कंपनी क्लेम करती है वो 35 से लेके 40 के इन बिटवीन, बट एज पर मेरे जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है इसमें 5 साल में चलाने के हिसाब से, तो ये जो मैंने आज तक अभी मैंने इसको चेक नहीं किया कि भाई कितना ऑफर कर रही है मुझे एवरेज, बट स्टिल जो मेरे को लगता है वो मेरे को देती है 35 के अप्रॉक्सीमेटली देती है। अगर मैं इसको पर्टिकुलर स्पीड पे चलाता हूँ, ड्राइव करता हूँ, तो मुझे 35 के अप्रॉक्सली आराम से मिल जाता है। बाकी डिपेंड करता है कि ड्राइव कंडीशन कैसी हैं, रोड्स कैसे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये आपको एवरेज देगी। आप किस हिसाब से इस बाइक को ड्राइव कर रहे हो, बहुत रश ड्राइविंग कर रहे हो, तो उसके हिसाब से आपको ये ऑफर करती है कि भाई कितना का एवरेज आपको निकल के मिलेगा ऑन रोड। मतलब सारी चीज़ें डिपेंड करता है टोटली आपके ड्राइविंग कंडीशन के ऊपर, बट ईजिली 35 तो मुझे देती है। और बात रही सर्विस कॉस्ट की, तो सर्विस इसकी जो है, अगर आप नई बाइक लेते हैं तो उसमें सर्विस कॉस्ट आपको सिर्फ आपको पड़ता है जो भी इंजन ऑयल का वगैरह, तो मान के चलो उसमें आपका आ जाता है 700-800 के अप्रोक्सीमेटली खर्चा आता है फर्स्ट सर्विस से। 3 सर्विस रॉयल एनफील्ड फ्री देती है। उसके बाद फ्री का मतलब कि लेबर कॉस्ट फ्री होता है उसमें, कोई भी पार्ट्स या कोई भी मैकेनिकल चीज़ें लगती हैं तो वो आपको पे करना पड़ेगा एज पर प्राइस और प्लस GST जो भी उनके बिलिंग के अकॉर्डिंग हुआ। तो हम सर्विस की बात कर रहे थे, सर्विस कॉस्ट की, तो अप्रॉक्सीमेटली मेरे को अगर 6 मंथ पे मैं करवाता हूँ तो ये पड़ती है मुझे, डिपेंड करता है कंडीशन में कोई रिक्वायरमेंट है, अगर चेंज कोई पार्ट वगैरह चेंज होते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली डिपेंड करता है। अदरवाइज इसकी सर्विस हो जाती है हमारी 2000 से लेके इन बिटवीन 2500 के बीच में नॉर्मल सर्विस होती है, लेबर चार्जेस, लेबर कॉस्ट वगैरह और जो भी इंजन ऑयल है, अगर ब्रेक शू वगैरह डाल के नॉर्मली हो जाती है 2000 से इन बिटवीन 2500 के इन बिटवीन। तो अगर उसमें कोई पार्ट्स वगैरह चेंजेस की रिक्वायरमेंट होती है तो अकॉर्डिंगली डिपेंड करता है, प्राइस वेरी करेगा। इसके अलावा इसमें आपको ट्यूबलेस टायर्स नहीं ऑफर किए जाते हैं, कंपनी अभी ट्यूबलेस टायर नहीं देती है। अब जो मॉडल्स आ रहे हैं उसमें अगर अलॉय व्हील आते हैं तो ही ट्यूबलेस टायर देते हैं, क्योंकि स्पोक व्हील पे ट्यूबलेस टायर नहीं चलते। इसको मैं 5 साल से लगातार चला रहा हूं, तो मुझे अभी कोई कंप्लेंट आई नहीं है इंजन को लेकर या राइड क्वालिटी को लेकर कंपनी से, कोई आफ्टर सर्विस भी कोई कंप्लेंट है नहीं मेरी। एक बारी दिक्कत आ रही थी इसमें, एक्चुअली वो दिक्कत क्या थी कि भाई मैंने यहाँ पे लेग गार्ड लगवाया हुआ था आफ्टर मार्केट, तो वो उसमें क्या है वो टूट गया था, और जब रेस देते थे तो वहाँ पे क्या है कि भाई एक वाइब्रेशन और आवाज़ साउंड क्रिएट करता था, तो मुझे लगता था कि वो इंजन में से आ रहा है, तो मैंने कंप्लेंट करी, बट उन्होंने रेक्टिफाई कर लिया उसको कि ये सर इंजन की नहीं है, उन्होंने इसको निकाला और बोला सर आप एक्सलेट करके देखो इसको, तो उस टाइम ये हट गई थी। उसके अलावा कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई मुझे हालांकि, और आफ्टर मार्केट जब मैंने डिस्क लगवाया था ये डिस्क ब्रेक में भी ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कोई दिक्कत परेशानी आए या ABS में कोई डिफेक्ट आए या डिफॉल्ट आए, तो अभी मक्खन चलती है बाइक भाई मेरी। रिलायबल बाइक लेनी है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए आपको कोई रीसेल नहीं करना या फ्यूचर में कभी परमानेंट ही रखनी है, तो आप आँख बंद करके भरोसा कर सकते हो और इसको बाय कर सकते हो। अब इसकी बात करें प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग की जो कॉस्ट है, जब मैंने ये लिया था 2019 में, तो उस टाइम मैंने इसको लिया था ऑन रोड प्राइस इसकी थी हार्ड कैश में वन शॉट पेमेंट में 1,43,000 समथिंग की अप्रॉक्सीमेटली। तो अभी जो करंट जो कॉस्ट है इसकी, जो कॉस्ट है वो पड़ेगी आपको 1,83,000 के आसपास वन शॉट पेमेंट में पड़ेगी, 1,83,000 समथिंग के आसपास ऑन रोड। बाकी आप फाइनेंस करवाते तो ऑलमोस्ट वो 10,000 का अब तो गैप आएगा, 10-15,000 का गैप आता है, वो डिपेंड करता है आपकी भाई सिविल्स प्रोफाइल, आपके प्रोफाइल के ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। आप लुक देख रहे हो कितना बोल्ट है, मतलब एक मज़ा ही आ जाता है, आप इस पर बैठते हो तो लगती है कि आप भाई बाइक पर बैठे हुए हो, और बहुत ही मज़ा आता है इसको चलाने में, मतलब कम्फर्ट फील होता है। पीछे का लुक आप देख रहे होगे, काफ़ी मतलब बोल्ट है यार एकदम। और एक आपको पता है भाई रॉयल एनफील्ड ने बुलेट बनाई थी, तो बुलेट किस वजह से फेमस है आपको ही पता वो चीज़। और ये साइलेंसर जो लगा हुआ है, तो मैं इसको सजेस्ट नहीं करता कि आप ये आफ्टर मार्केट साइलेंसर लगवाएं, क्योंकि ये बैन है चलाने, इस पर इम्पाउंड हो सकती है भाई, जो कि 10,000 का भी चलाने इस पर। तो ये मैंने बस ऐसे लगवा लिया था उस टाइम पे, बट अभी अलाउ नहीं करते, और अगर आप लगवाते हो तो अपनी रिस्क पे लगवा सकते हो, उसको फिर आपको इस हिसाब से चलाना पड़ेगा। बाकी बात करें हमारे सिद्धू मूसे वाले सर की, तो भाई मतलब मेरे वन ऑफ द फेवरेट सिंगर हैं पंजाबी, और पंजाबी क्या मैं इन्हीं को सुनता हूँ, इनके अलावा बहुत रेयर होता है, क्योंकि कोई मैं बॉलीवुड गाने सुन लेता हूँ, लेकिन मेरे हर गानों में यही होते हैं। तो एक वॉकआउट वीडियो बनाया था हमने, जो मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस रहा है रॉयल एनफील्ड के साथ, बुलेट के साथ, ये रही अपनी बुलेट। तो बुलेट के साथ जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो 5 सालों का बहुत अच्छी जर्नी रही है अब तक के लिए। मेरे अकॉर्डिंगली मुझे कोई दिक्कत परेशानी आई नहीं है कंपनी से, ना ही बाइक से मुझे, और स्टेबिलिटी रिलायबिलिटी तो रॉयल एनफील्ड की बहुत प्रीमियम है आज, और सर्विस भी है, तो सर्विस भी आपको रोड साइड असिस्टेंट भी अवेल कराते हैं। इवन आप अगर 2017-18 की बाइक है, 19 की भी बाइक है, 20 की बाइक है, तो उस पर आप एड ऑन इस पर ले सकते हैं, और वो आपको
रोड साइड असिस्टेंस भी देंगी। अभी हम इस वीडियो करते हैं क्लोज यहीं पे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तो वीडियो कैसी लगी आप लोगों को, आई होप बढ़िया लगी होगी और जो भी इन्फॉर्मेशन आप सर्च करोगे वो आपको मिली भी होगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करो, दोस्तों में शेयर करो और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करो ताकि आप अपकमिंग वीडियोस देख सको गाड़ियों की, बाइक की रिव्यूज़ की। कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो इस चैनल पर ज़रूर मिलेगी आपको, और हमारे पर्सनल ब्लॉगिंग भी देखते रहो। आने वाले अपडेटेड वीडियोज़ के लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करो ताकि आप स्टे ट्यून्ड रहो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए ध्यान रखो, ख्याल रखो। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, नमस्ते इंडिया।